तो चलिए बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहली बात कि आप सब लोगों ने साइंस भी बहुत अच्छे से कर ली है और जीके भी बहुत अच्छे से कर ली है। अब बारी आती है हमारे कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस की। सो जैसा मैं वादा करती हूँ आप सब लोगों से कि आप लोगों को मैथ्स भी करवाऊंगी, तो वैसे ही आप लोगों के लिए मैथ्स भी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जितना प्यार आप सब लोगों ने साइंस के अंदर दिया है, मैथ्स के सॉरी जीके के अंदर दिया है, उतना ही प्यार और उतना ही सपोर्ट आप लोग साइंस के अंदर भी देंगे, ठीक सॉरी मैथ्स के अंदर भी देंगे। और मैं सभी लोगों से दोबारा गुजारिश करती हूँ कि जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जल्दी से जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके साथ में जिन जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं कर रखा है, यार बच्चों सभी के सभी क्लास को एक बार लाइक कर दो, ठीक है, और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है जी बच्चे। तो चलिए शुरू होते हैं, हमारे पहला क्वेश्चन है आपको जी बच्चे, 4/5 को प्रतिशत में व्यक्त करिए। 4/5 जो होता है उसको प्रतिशत में, पहले आप बताओ कितना आएगा प्रतिशत जी। 80 80 80, बिल्कुल सही है, श्योर है जी, बिल्कुल सही आंसर है। 4/5 कितना होता है, 4/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 5 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, और 4 × 20 कितना आता है, 80। तो सही आंसर क्या हो गया, 80। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये कि 4/5 क्या होता है, 80 होता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, परसेंटेज के बेस पे क्वेश्चन है और देखना बहुत ही आसान लगेगा आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है, विवेक सोल्ड एन आर्टिकल विद अ प्रॉफिट ऑफ 25% इन रुपीज 375, व्हाट वाज हिज कॉस्ट प्राइस जी। विवेक ने एक वस्तु को 25% के लाभ पर के रुपए में बेचा, 375 उसका लागत मूल्य क्या था, मतलब कितने रुपए में बेचा, 375 रुपए में। तो आपको लागत मूल्य निकालना है जी बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप लोगों को क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि विवेक है जिसको प्रॉफिट हुआ है, मान लो अज्यूम करो, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लो उसने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, उसको 25% का लाभ हुआ। तो 100 का 25% कितना होता है, 25, और 25 फिर उसके कितने रुपए में बेचा, 25% के लाभ में, मतलब उसने 125 में बेच दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअल में कितने कितने वैल्यू में बेचा, एक्चुअल में उसने बेचा 375, यानी कि 125 की वैल्यू कितनी है, 125 की वैल्यू कितनी है, 375, यानी कि 125 की वैल्यू है 375। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 375 डिवाइड में 125। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको 100 रुपये की, क्योंकि एज्यूम के तो क्या किया था, मान लो 100% में बेचा था, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो गुना में 100 कर दो और यहाँ पे भी गुना में 100 कर दो, तो 100 से डिवाइड करो, सॉरी 100 से गुना करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 100 को यहाँ पे 4 से काट दो और ये हो गया 5 पे कट गया, ठीक है। फिर 5 को 375 से काटोगे तो वैल्यू आएगी 75, ठीक है, सॉरी सॉरी हाँ 75 हाँ 75 5 × 7 = 35 और 75, और 4 × 75 की वैल्यू आती है 300, ठीक है, 4 × 75 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 300। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों से है, ए बी सी गॉट 150 वोट, ए प्लस सी गॉट 96 वोट एंड बी प्लस सी गॉट 74 वोट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ईच सेपरेटली। अगर यदि ए बी और सी को 150 वोट मिले, ठीक है, क्या वो क्या वैल्यू दे रखी है, ए बी और सी को कितने वोट मिले हैं, 150 वोट मिले हैं, ठीक है जी। ए और सी को कितने वोट मिले हैं, 96 वोट मिले हैं। दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है, ए और सी को कितने वोट मिले हैं, 96 मिले हैं, और बी और सी को कितने मिले हैं, 74। तो बी प्लस में सी को कितने मिले हैं, 74। तो प्रत्येक के वोट का अलग अलग ज्ञात करिए, सबको अलग अलग कितने वोट मिले हैं जी बच्चे। एसएसआर का भी है और एमआर का भी है, दोनों का है, नीलम शर्मा जी दोनों का है बच्चे,
जी बच्चे, तो क्या होएगा, सबसे पहले a प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस सी को यहाँ पे माइनस में ले जाओ, तो a प्लस में c, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, 96। जब इसको माइनस करोगे तो माइनस करने पे क्या आ जाएगी, b की वैल्यू, b की वैल्यू कितने आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 54। तो यहाँ पे देखो 54 b की वैल्यू किस किस की है, इसकी है, इसकी है, अच्छा c की नहीं है, तो c काट दो, ठीक है, एक ऑप्शन कट गया अपना। दूसरा क्या है, दूसरा दे रखा है b प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 74, तो a प्लस में b प्लस में c की वैल्यू है 150, और b प्लस में c की वैल्यू कितनी दे रखी है 74। अब माइनस करोगे तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि b प्लस सी और b प्लस सी कट जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 76, तो a की वैल्यू आ गई 76। तो अब देखते हैं 76 किसकी वैल्यू है, जी बच्चे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सी कट गया 76, यहाँ पे 74 दे रखा है, यहाँ पे 76 है और यहाँ पे 76 है, तो ए और डी में से कोई एक है जी, और बाकी बचा सी। तो बच्चे अपना क्या है, अपना दे रखा है क्या, अपना दे रखा है ए की वैल्यू है 76, ठीक है, और बी की क्या वैल्यू है 54, तो ऐड कर दो दो, और बच्चे क्या मिला 120, ठीक है, नहीं 130, ठीक है 130, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 150 में से 130 माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 120, ठीक है 120 जी, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 76, 54 और 20, ठीक है, ए इज राइट आंसर, ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री का मान ज्ञात करिए, एक, जीरो, टू या इनफाइनाइट। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंट 45 डिग्री की, वो तो बच्चे एक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछ रखा है, 0.6 गुना में 0.6 प्लस में 0.6 डिवाइड बाय में 6, इसकी वैल्यू पूछ रखी है। किसके ऊपर है, बोर्ड मैथ्स के ऊपर क्वेश्चन है आपका, प्रवीण चौहान 111, वेरी गुड, जितेंद्र 1, मीनू वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अब इसका बताओ, 0.6 गुना 0.6, ठीक है, तो 0.6 और 6, 6 गुना 6 कितना होता है, 36 होता है, और पॉइंट के पीछे एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, तो पॉइंट के पीछे जब भी जितनी भी वैल्यू होती है और वो अगर गुना में हो जाए, तो गुना में होने के बाद में क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाती है, तो दो पॉइंट के पीछे मतलब पॉइंट के पीछे एक एक वैल्यू है और गुना में ऐड होगी तो क्या आ जाएगी वैल्यू, दो, यानी कि दो डिजिट्स के पीछे अपना पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 0.36। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा अपना है 0.6 डिवाइड बाय में 6, तो 0.6 डिवाइड बाय में 6 क्या हो जाएगा, सबसे पहले 6 से 6 काट दो, ठीक है, 6 से 6 काट दो और वैल्यू आ जाएगी 0.1, ठीक है, तो 0.1, तो 0.6 प्लस में 0.1, 0.6 प्लस में 0.1 आ जाएगा 0.46, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.46, ठीक है, पॉइंट नहीं दिलशाद, 0.42 नहीं है, 0.46 है, 46 है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछ रखा है, इन 500 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल देयर आर 100 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। जी, एक स्कूल के 500 छात्रों में 100 छात्र लड़कियां हैं, तो लड़कियों के प्रतिशत ज्ञान कीजिए। जी बच्चे, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा, और अगेन सभी बच्चों से गुजारिश है कि क्लास को लाइक कर दिया जाए, जिन जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं कर रखा है, जल्दी से जाओ और क्लास को लाइक करो, और उसके साथ में जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप भी हमारी फैमिली के साथ जुड़ पाओ और आप लोगों के लिए भी हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आ सकें। और दोबारा बता रही हूँ, कल हमारी फिजिक्स की मैराथन होने जा रही है, तो कल मैराथन में ज़रूर आइएगा, ठीक है।
जी बच्चे, इन 500 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल देयर आर 100 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। चलो क्या है, एक स्कूल में 500 छात्र हैं, ठीक है, छात्र कितने हैं, क्या हो गया, हाँ ठीक है, चलो तो छात्र कितने बोल रखे हैं, छात्र हैं आपके पास 500, ठीक है, 500 छात्र हैं, 500 छात्रों में से 100 छात्र क्या है, लड़कियां हैं, 100 छात्र क्या हो गए, लड़कियां, ठीक है, लड़कियां होगी, ओके। दूसरा आप लोगों का पूछ रखा है तो लड़कियों का प्रतिशत बताना है, लड़कियां कितनी प्रतिशत हैं, तो बच्चे प्रतिशत निकालने के लिए किसका प्रतिशत निकालना है, लड़कियों का, सो किस में से निकालना है, 500 में से, और प्रतिशत जब भी निकालना होता है, मतलब 500 टोटल थे तो टोटल डिवाइड में ले आओ, और किस प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा 100 से गुना करते हैं, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 100 दो जीरो से दो जीरो काट दो और 5/100 कितने आ जाएगी, 20%, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 20%, ठीक है, क्या समझ में आ गया आप लोगों को, जी वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है 20%। अगला क्वेश्चन, अंडर रूट निकालना है, बहुत ही आसान है, अंडर रूट किसका निकालना है, 0.09 का, ठीक है, 0.09 का, तो 0.09 का अंडर रूट क्या होएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाओ और दो जीरो लगा लो, तो दो जीरो लगाने से सबसे पहले 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3/100 का अंडर रूट कितना होता है, 100 का अंडर रूट होता है 10, तो 3/10 तो वैल्यू आ जाएगी 0.3, तो बच्चे आ जाएगी वैल्यू 0.3, यहाँ पे पॉइंट लगाना रह गया होगा शायद, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 0.3। मैराथन का टाइम बच्चे 10 बजे है, कल 10 बजे की क्लास है, जी चलो अगला क्वेश्चन, बाय सेलिंग ए हाउस फॉर 1100, आई गॉट 10% गेन, फाइंड माय कॉस्ट प्राइस, ओके, रुपए में एक घर बेचकर, कितने रुपए में, 1100 रुपए में एक घर बेचकर मुझे 10% का लाभ हुआ, ठीक है, मेरा कार्य मेरा क्रय मूल्य क्या होगा, बच्चे आप लोगों से पूछ रखा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो बच्चे अगर हम अज्यूम करो, दोबारा अज्यूम क्या करना है, मान लो मेरा घर, मेरा मतलब मान लो हमारा जो घर था वो घर कितने में था, 100 रुपये में था, उसको लाभ कितना हुआ बेचकर, उसने बेचा एक 10% के लाभ पर, 10% लाभ मतलब 10% लाभ हो जाएगा, 100 का 10% होएगा 10, तो इसका 10% लाभ कितना हो जाएगा, 110, मतलब लाभ ऐड कर दो तो 110, यानी कि 110 में क्या करा उसने, बेच दिया, ठीक है, 110 की वैल्यू क्या दे रखी है, 110 की वैल्यू क्या दे रखी है आप लोगों को, एक्चुअल में 110 की वैल्यू है बच्चे 1100, करेक्ट, 1100, तो 110 को 1100 से पहले क्या करना है, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1100 डिवाइड बाय में 110, और बच्चे आपको किसकी निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों से 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 1000, तो वैल्यू कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 1000, कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 1000, समझ में आ गया, चलो वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कोस 90 डिग्री की क्या वैल्यू आती है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू, कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ठीक है, क्या वैल्यू होती है, 0। अगला क्वेश्चन, ओ तो आज के बस क्वेश्चंस यही ख़त्म हुए, सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस करना अच्छा लगा होगा, अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो क्लासेस को लाइक जरूर कर दीजिए करा, और उसके साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये हमारा एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से हमारा चैनल है, सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जो जो बच्चे हमसे नए जुड़ते जा रहे हैं या फिर पहली बार हमसे क्लास लगा रहे हैं, सो मैं बस यही कोशिश करती हूँ हर रोज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लास लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से बच्चों को समझाऊँ,
आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो एक बार पूछ लीजिए करें, ठीक है। और जितना जल्दी हो उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाए और ये जो वीडियो है, ये जो क्लासेज है, ये और ज़्यादा बच्चों तक स्प्रेड हो पाए, ठीक है। और उसके अलावा बच्चे, अगर आप में से किसी को भी क्या चाहिए, PDF चाहिए इस क्लास की, नोट्स चाहिए, तो बच्चे आपको क्या करना है, सिंपल जाना है टेलीग्राम चैनल पे, एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाइए। और इस चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मैंने पिन भी कर रखा है तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारे नोट्स सारे PDF मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम 12 बजे की एक और क्लास होगी, 12 बजे हम दोबारा मॉक टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर ज़रूर आइएगा। और कल हमारा फिजिक्स का मैराथन है तो उसके फिजिक्स के मैराथन में भी ज़रूर आइएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।